इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, एक छोटे से शहर के मेयर के इलेक्शन में वोट की चोरी करते हुए, बेईमानी करते हुए खुल्लम खुल्ला कैमरे पे पकड़ी गई है। उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी कलम से सीसीटीवी कैमरे में वोटों पर, बैलेट पेपर पर निशान लगा के उस वोट को खराब करना और उसको इनवैलिडेट करना साफ साफ दिखा जा रहा है। आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, हमारे विधायक साथी दुर्गेश जी उसके बारे में आपको बताएंगे। साथियों, जैसे सौरभ भाई ने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कल रात से पूरी दिल्ली के अंदर जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दिल्ली के लोग हैं, कल तो मुझे लगता है 4-5 बजे तक सारे इनके SHO, सारे IO ने हमारे कार्यकर्ताओं को फोन किया, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, सारी डिटेल ली, और उसके बाद से ही रात से ही 8-9 बजे से हर एक कार्यकर्ता को, कई लोगों को इन्होंने थाने में बुलाया, कई लोगों के घरों पर गए, और आज पूरी दिल्ली को जिस तरह से इन्होंने एक तरीके से जेल बना दिया है, आप अपने घर पे घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे लीडर ऑफ हाउस है मुकेश गोयल जी, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, हमारे डिप्टी मेयर है उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, हमारे कृष्णानगर के MLA साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है, इस तरह से सैकड़ों हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जो बसें लगी हुई हैं आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियोज बहुत सारी आ रही हैं जिसमें बसों के आगे पुलिस ने अपनी कार लगा दी है और बसों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह से क्रूरता भारतीय जनता पार्टी अपने पुलिस के माध्यम से कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में वोटों की चोरी की गई, वोट चुरा कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया गया, और आज जब उसका प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट के खिलाफ भी एक तरीके से क्रूरता अपनाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों के समय भी इस तरह से होता रहा होगा। मैं कई बार लोगों के बीच में होता हूं तो लोग बड़े इजीली ये कह देते हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई है, तो ये पॉलिटिकल बैटल है, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते रहते हैं, इसमें कुछ हमारा क्या लेना देना। एक चीज तो बड़ा क्लियर होती चली जा रही है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बात का विरोध करते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक्ट को समर्थन नहीं देते, उसके विरोध में आप हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो इवन BJP से भी हो। कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कामों का विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बेईमानी किया जाएगा, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये पूरे देश में ये बता रही है कि अगर आप उनके साथ हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप उनके जरा सा भी विरोध में हैं तो पुलिस, ED, CBI जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनकी मदद से आपको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। आप ये सोचिए कि अगर चंडीगढ़ के एक छोटे से चुनाव में अगर वो इस तरह से बेईमानी कर सकते हैं तो पूरे देश के चुनाव में अगर वो अपने आप को कहीं से हारता हुआ दिखेंगे तो एक बहुत बड़ी एक गलत चीज होगी इस देश के अंदर। मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से अलाइन करते हों चाहे वो ना करते हों, सबको इस समय अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और क्या इस तरह से हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की, अपनी बात रखने की आज़ादी इस देश के अंदर है या नहीं, ये सबको सोचने की ज़रूरत है।
और जितने लोग भी इसके समर्थन में उनको अपने घरों से बाहर आना चाहिए। आज जो दिल्ली पुलिस ने किया ये एक ट्रेलर है, आने वाले समय में इस तरह की हजारों एक्टिविटीज की जाएंगी और पूरे देश को एक तरीके से कारागार बना दिया जाएगा। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण।